गली मोहल्ले के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, सोच रहे हो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग खेल लोगे आप, अभी तक मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, ओ भाई कब खेलना सीखोगे यार, बेइज्जती करवा रहे हो खाली पीली, बहानेबाजी आपकी क्या ही बहानेबाजी है। बाकी टीमों में देखो आप, ट्रेंट बोल्ट है, मिचेल स्टार्क है, शाहीन अफरीदी है, इनके पास लुलु पंजूसा है, वो अनिकेत चौधरी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो की हाइलाइट्स में देखा है कि इंडियन मीडिया जो है खासा परेशान नजर आ रहा है कि किस तरह से आप आने वाले मैचेस में सामना करेंगे। नेपाल के साथ जो मैच हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने वाजिया किया कि अगर आप ट्रेंट बोल्ट अभी खेलने वाला है, मिचेल स्टार्क खेलने वाला है और आप शाहीन अफरीदी की गेंदें नहीं खेल पा रहे, कुछ सेकंड्स में आप पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखें, एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखिएगा कि किस तरह से वो अपने टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन हैं उनकी अच्छी खासी धुलाई कर रहे हैं, उनसे नाराज हैं। तो चलो वीडियो में जाने पड़ते हैं और देखते हैं वीडियो। टीम का रोहित शर्मा ने आपसे लेफ्ट आर्म सीमन नहीं खेले जाते, लगातार बोल रहा हूं कि वहां पर आपके पास ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क है, शाहीन अफरीदी है, वहां पर आपके ट्रेंट बोल्ट है, इनके पास क्या है, वो अनिकेत चौधरी, कोई जानता नहीं केत चौधरी, कौन जानता नहीं केत चौधरी को, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, सोच रहे हो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग खेल लोगे आप, अभी तक मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, ओ भाई कब खेलना सीखोगे यार, बेइज्जती करवा रहे हो खाली पीली, बहानेबाजी आपकी क्या ही बहानेबाजी है। बाकी टीमों में देखो आप, ट्रेंट बोल्ट है, मिचेल स्टार्क है, शाहीन अफरीदी है, इनके पास लुलु पंजूसा है, तो वो अनिकेत चौधरी, ये कोई बॉलर है यार, खाना मूर्ति की बैटरी और आज आपको स्किल लेवल पता चल गया, शाहीन अफरीदी जैसा, शाहीन अफरीदी जैसा ऑपरेटर है भैया, दुनिया का कोई बॉलर। ये तो रोहित ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बोला कि भाई हमारे पास हारिस नहीं है, नसीब नहीं है और शाहीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी, फिर भी तैयारी, आप इसका मतलब एक्सक्यूज दे रहे हो कि हमारे पास इस क्वालिटी के बॉलर्स नहीं है, आप पब्लिक के सामने आके एक्सक्यूज दे रहे हो कि हमारे पास वो बॉलर नहीं है, फिर भी हम तैयारी कर रहे हैं। क्या 5-6 महीने बाद श्रेयस अय्यर आया एक्टिव क्रिकेट में, आप मैदान में उतरे नहीं, उससे पहले आपके एक्सक्यूज तैयार है कि क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं आप, दो बड़े विकेट लेके गया ना शाहीन, फिर आप बोलते हो फोटो शूट करते हो, आप इधर ट्रैवल करते रहते हो, आप इवेंट में घूमते रहते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। बारिश एक्सक्यूज नहीं है, आपका फेलियर है। विराट और रोहित आपके आने वाले मैचेस में रन कर देंगे, लेकिन मेरे सवालों का जवाब कब मिलेगा भाई, वो बात की बात है भाई, इनके पास शाहीन अफरीदी है, किसी के पास ट्रेंट बोल्ट है, किसी के पास मधुशंकर है, हमारे पास अभी हम, अरे राहुल भाई हम सब में से कोई अभी प्लेयर पे सवाल नहीं उठा रहा, मैनेजमेंट पे सवाल उठा रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ प्लेयर आपके कर जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैच नहीं, फाइनल मैच है, मैं कह रहा हूँ आपकी प्लानिंग क्या भाई, क्या प्लानिंग आपकी, गली बॉलर की प्लानिंग है, ये प्लेयर कोई बॉलर है, इंजरी से क्या के प्लेयर को डाल दिया, कोई बॉलर है वहां पर, 5-5 छक्के खा रहा है वहां पर, ये बैल बॉलर है, एक अस्सी बड़ी मुश्किल से आपको बॉलर मिला, अकाश भाई इतनी बेसम मैनेजमेंट है हमारी, ड्रामेबाजो कहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे यार, खलील ने आईपीएल में रोहित को कितना परेशान किया था, उसको नहीं लेके आ सकते, आपको बता वो स्किल लेवल दूसरा है, जो शाहीन अफरीदी करता है वो निगल भी होने के बाद में वो अपनी बेस्ट आप कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर इंजरी से उठा के मैच में लिया, विराट कोहली बेवजह आपने रेस्ट दे रखा था उन्हें, पाकिस्तान को कभी कभार खेलते हो इसलिए दिक्कत आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लीग का गेम है, आगे बहुत मैच खेले उसके लिए प्रिपेयर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपके प्रिपरेशन है क्या, अब तक जो हमने तीन मैं तो रोहित शर्मा आपके एक नंबर की टपोरी में नहीं बैठते, ये राहुल द्रविड़ जब से आए हैं टीम का नाश सत्यानाश कर दिया इन्होंने, टीम का एक बेवजह की टीम, इंजरी को विराट कोहली से कम से कम टीम में दिक्कत हो, मुझे आज जवाब चाहिए भाई इनकी टीम मुझे बताओ, ट्रेंट बोल्ट कहाँ है, मिचेल स्टार्क कहाँ है, शाहीन अफरीदी कहाँ है, मधुशंकर कहाँ है, मार्को येंसन कहाँ है, हमारे पास कौन सा लैपटॉप सीमर है, ये गली बोलने से बोल उठा के आते हैं, बॉलर क्वालिटी है आपकी, आप बॉलर अगर आप भाई पांचवी के पेपर, आपको पेपर देने बारहवीं के प्रैक्टिस करोगे पांचवी के पेपर क्या, लेफ्ट आर्मर लेफ्ट आर्मर राइट करना पैदा करते भाई, आपके उतने नहीं लगते, लेफ्ट आर्मर ड्रामा कर रहे हैं, 10 साल हो गई आज से थोड़ी चिल्ला रहे यार, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी मोहम्मद आमिर, 2019 का वर्ल्ड कप ट्रेंट बोल्ट, 2021 शाहीन अफरीदी, अरे बेकार मत में पता नहीं चलता क्या, नेक्स्ट लेवल है,
जिन खिलाड़ियों पे आप ज्यादा भरोसा कर रहे थे वो तो चले गए ना, क्या देखेंगे आप? ठीक है, बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश बारिश हो रही थी, ठीक है, आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल गया आज का। आप यही बोलेंगे देखना मैच के बाद कि नहीं बारिश हो रही थी, हमारा मोमेंटम खराब हुआ वहाँ पे, आप यही एक्सक्यूज देंगे? आपके लिए बस यही चीज है कि आप रियलिटी चेक आपको पहले मिल गया, अगर आप बड़े मैच में मिल जाए तो आप क्या कह रहे, तो ये क्वालिटी वो एकदम खेल गए, अब खेल नहीं, अब आगे से खेलते रहना, इसका मतलब ये नहीं है। आप श्रीलंका की इस कंडीशन में कितने मैच खेल चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आप कितने मैच खेल चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका मोमेंटम खराब हो रहा है यहाँ पे। यार आपकी क्वालिटी है, आप पर इस पर गए, ठीक है। एशिया कप से पहले आप, मैं यही बोल रही थी कि इनकी तैयारी होती है जर्सी पहनना, जर्सी चेंज करना, इनके जो ब्रांड वगैरह वो सारी चीजें, फोटोशूट वगैरह, वीडियो बनाना, ये इनकी तैयारी होती है, बाकी इनका मैदान में रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज के लिए आखिरी तो वेस्ट इंडीज था, वहां पर आप रेस्ट कर रहे हो, इन्हें खिला रहे हो कि यंगस्टर्स को मौका मिले, क्रिकेट अकेडमी लॉन्च करने गए, क्रिकेट अकेडमी लॉन्च करने गए, अकेडमी लॉन्च कर रहे हैं यूएसए में, किसी का ब्रांड शूट है, किसी का बार बार आपको टी ट्वेंटी में परफॉर्म करके दे रहा है, क्या साबित कर रहे हैं, मुझे चांस दो, आप रेस्ट दे देते हो। वेस्ट इंडीज में आपकी बैटिंग एक्सपोज हो रही थी, वेस्ट इंडीज में आपकी बैटिंग एक्सपोज हो रही थी, रोहित शर्मा विराट कोहली को वहां पर आई हुई है। मेरे भाइयों मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत टीम से नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं टीम से, मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी क्या आकाश भाई, आप साइन से आपको मैं कह रहा हूँ आपको किसी एक पेपर की तैयारी करनी है, ओ भाई उससे रिलेटेड तो आप कुछ ना कुछ तैयारी करोगे ना, ना शाइन ना आपके पास कोई एक बॉलर आया 10 सालों में अर्शदीप, उसके बाद आपके वहां तोते फेल हो गए, यार बताओ यार। मैं कह रहा हूँ आकाश भाई पिछले 10 साल से 2011 का जो आप वर्ल्ड कप जीते थे, जहीर खान शाहिद अफरीदी के बाद मोस्ट विकेट टेकर थे आपके, इन्हें समझ में नहीं आता यार, फाइनल में जहीर खान, खलील अहमद, बरिंदर सरन, ओ भाई मतलब इतने बेवकूफ लोग है ये बॉलर, स्ट्रक्चर ना कोई लैगी है, ना कोई लैगी है, ना कोई ऑफ स्पिनर है, भाई ये बड़ी बेइज्जती की बात है कि 10 साल से आप एक लेफ्ट आर्म सेवन नहीं बना पाए, बच्चे प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, हर साल आईपीएल आ रहा है सबसे बड़ा लीग, एक बॉलर आप नहीं ढंग के ला पा रहे हो भाई, उनकी क्वालिटी मैं कह रहा हूँ, उनके पास कितना सा तो ग्रुप है, एक एक ग्रूम आप ग्रूम करते हो ना कि नहीं खिलाड़े हो, फास्ट बॉलिंग हंट्स हमारे देश में कितने होते हैं, इंडिया में कितने एकेडमी आपको आज तक नहीं मिला 10 साल में, इनके भाई घरों से, इनके लिए भाई हर कोई किसी के पास, भाई मैं विराट रोहित की तो आज हम बात ही नहीं, ठीक है विराट रोहित मैं कह रहा हूँ, चलो विराट विराट और रोहित ने नहीं करा, ये श्रेयस अय्यर, ये श्रेयस अय्यर आज, हाँ अभिषेक ने अच्छा बोला, आज इन नए नए बच्चों को तो देख लो जो इन्हें आईपीएल में 15 करोड़ 16 करोड़ मिलते हैं, क्योंकि एक आपका लीग का मैच है, सुपर फोर इंडिया चली जाएगी, आज इन बच्चों को देख लो, पहले ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, अय्यर से नहीं खेली जा रही शॉर्ट बॉल, अभी देख लो अभी हार्दिक पांडे आएगा आपके, इन्हें भी देख लो ना आज, बात ये सवाल सिर्फ हमारा ये है भाई, 10 साल हो गए कोई बोलर ही नहीं बना पाया, मुझे सब राहुल जो पॉइंट पॉइंट कर रहा है ना, रोहित शर्मा का भी पैटर्न ऑफ डिसमिसल सेम है, लेफ्ट आर्म अंडर आती हुई बॉल, विराट कोहली को भी आपने देखा वल्नरेबल रहते हैं अर्ली ऑन, श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल पे आउट, सब ना पैटर्न, जब आपका खेलने का तरीका नहीं बदलेगा ना तो सवाल उठेंगे, कोई रिजल्ट की बात नहीं।